कि अचानक उस जंगल में एक दुष्ट चील आ गया। वो चील रोज किसी न किसी पक्षी के बच्चे को मारकर खा जाता। जंगल के सभी पक्षी उस चील से डरकर भाग जाते थे। भागो भागो नन्हे पक्षियों, तुम कहाँ तक भागोगे? एक न एक दिन मैं तुम लोगों को पकड़ लूंगा और खा जाऊंगा। उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वो जानती थी कि चील उसके बच्चों को खा जाएगा, इसीलिए उसने अपने बच्चों को पेड़ के तने के अंदर छुपा दिया था ताकि उसके बच्चे चील को नजर न आ सके। अब वो चील मेरे बच्चों को नहीं खा सकेगा, मेरे बच्चे यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। ये कहकर टूनी चिड़िया ऊपर अपने घोंसले में चली जाती है। तभी वहाँ पर एक कालू कौवा आ जाता है। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारे बच्चे कहाँ गए? कालू कौवे, तुम तो जानते ही हो कि हमारे जंगल में एक दुष्ट चील आया हुआ है जो पक्षियों के बच्चों को खा जाता है, इसीलिए मैंने अपने बच्चों को इस पेड़ के तने के अंदर छुपा दिया है और मेरे बच्चे यहाँ पर सुरक्षित हैं। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब वो चील तुम्हारे बच्चों को नहीं ढूंढ सकेगी, तुम तो बहुत शातिर हो। ठीक है कालू कौवे, अब मुझे जंगल से दाना लेने जाना है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं चलती हूँ। इस तरह टूनी चिड़िया जंगल से दाना लेने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो दाना लेकर अपने घर की तरफ वापस जाने लगती है तो वो चील उस चिड़िया को देख लेता है। अरे ये क्या, ये टूनी चिड़िया किसके लिए दाना लेकर जा रही है? इसके तो कोई बच्चे नहीं है, मैं इसके पीछे जाता हूँ और जाकर खुद देख लेता हूँ। तभी वो चील टूनी चिड़िया के पीछे लग जाता है। जैसे ही टूनी चिड़िया अपने बच्चों को दाना देने लगी तो वो चील तुरंत वहाँ पर आ जाता है। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुम इस जंगल की सबसे शातिर पक्षी हो, किसी भी पक्षी के दिमाग में ऐसा तूफानी आइडिया नहीं आ सकता। अब मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा। जैसे ही वो चील टूनी चिड़िया के बच्चों को खाने लगा तो वहाँ पर कालू कौवा आ गया। रुक जाओ चील भैया, टूनी चिड़िया के बच्चों को मत खाना। अरे कालू कौवे, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या जो तुम मुझे खाना खाने से रोक रहे हो? नहीं नहीं चील भैया, मैं आपको खाना खाने से नहीं रोक रहा, बल्कि मैं तो आपको एक बहुत अच्छी ऑफर देने आया हूँ। जल्दी बताओ क्या ऑफर है तुम्हारे पास? जंगल के उस पार एक गुफा के अंदर पक्षियों ने अपने अपने बच्चों को छुपा रखा है, मैं आपको उस गुफा तक ले जाऊंगा, आप टूनी चिड़िया के बच्चों को छोड़ दें। ठीक है कालू कौवे, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस तरह कालू कौवा उस चील के साथ गुफा की तरफ चला जाता है और थोड़ी ही देर में वो दोनों गुफा के आगे पहुंच जाते हैं। चील भैया, यही वो गुफा है, आप जल्दी से अंदर चले जाएं और जाकर खाना खा लें। कालू कौवे की बात सुनकर वो चील लालच में आ गया और तुरंत उस गुफा के अंदर चला गया। तभी कालू कौवे ने उस गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और वो चील हमेशा हमेशा के लिए